सो वेलकम गाइस, आ गए हम एक नई जगह पे और नया फूड टेस्ट करने आए। कहाँ पे? ये देखिए जी, ये क्या लग रहा है जी? ये लग रही है जलेबी। क्या बात है जी, क्या बात है, वाह मज़ा आ गया देख के। आज हम मीठा ट्राई करने आए हैं। बहुत सारा फूड आपको दिखाया, जलेबी पहली बार दिखा रहे हैं। ये ऐसी वैसी जलेबी नहीं है, इसकी बहुत खास वजह है, मैं आपको बताता हूँ। ये है जी राजकुमार जी, जो कि जलेबी तैयार करते हैं यहाँ पे। तो राजकुमार जी कैसे हैं आप? बढ़िया जी सर। राजकुमार जी, क्या खास बात है कि पूरे शहर में धूम मची हुई है आपकी जलेबी की, तो क्या खास बनाते हो आप? खास यही है सर, ये माँ की दाल की बनती है। माँ की दाल की बनती है, सिर्फ माँ की दाल यूज करते हो, तो बाकी लोग क्या यूज करते हैं? बाकी लोग मैदे की यूज करते हैं, यहाँ केवल माँ की दाल। माँ की दाल यूज होती है, तो ये अच्छा, ये माँ की दाल यूज करने का खास कारण? यहाँ पे केवल माँ की दाल की केवल यही खास है, यहाँ पे जो भी चीज़ मिलता है बहुत फ्रेश मिलता है, अच्छी चीज़ मिलता है। केवल यहाँ माँ की दाल हम लोग इसलिए बनाते हैं, यहाँ पे माँ की दाल के टेस्टिंग बहुत अच्छी होती है, कि केवल देसी घी में बनता है और इसमें कोई चीज़ की मिलावट नहीं होती है, केवल माँ की दाल की बनाती है हम लोग, इसमें यही खासियत है सर। ये मैं देख रहा हूँ, ये है जी माँ की दाल, इसमें रखी हुई आपने? जी सर, ये पिट्ठी है सर। अच्छा, क्या ये पिट्ठी है? अच्छा, ये पिट्ठी है जी। तो ये इसमें और कुछ मिलाते हो आप? नहीं सर, इसमें कोई चीज़ की मिलावट। ये ठीक है गाइस, ये है माँ की दाल का। ये कैसे प्रोसेस कैसे रहता है इसको बनाने का? बनाने का यही प्रोसेस है, माँ की दाल, पहले माँ की दाल को भिगाना पड़ता है, दो घंटा उसको भिगाते हैं। जब दो घंटा भीग जाता है, उसके बाद हम लोग मशीन में पीसते हैं। मशीन में पीसने के बाद उसके बाद हम लोग निकालते हैं, निकाल के उसके बाद मथाई करते हैं उसको। अच्छा, मथाई करते हैं 15 से 20 मिनट। मथाई करने के बाद उसके बाद छानते हैं, छानने के बाद यहाँ पे लाकर तब जलेबी बनाते हैं हम लोग। अच्छा, क्या बात है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है आपका। तो मैंने देखा आपने ग्लव्स वगैरह सारा, मास्क वगैरह डाला हुआ है और नेट आपने डाली हुई है, तो बहुत बढ़िया। तो आप मुझे ये बताइए, आगे चलते हैं हम, तो जिस बर्तन में आप जलेबी बना रहे हो, ये क्या देसी घी है? जी जी, केवल ये देसी घी की बनती है, प्योर। अच्छा, देसी घी है। जलेबी जो होती है वो मोटी होती है और गोल होती है, गोल सारी करती है ना, तो ये जलेबी आपने बनाई है डिज़ाइन और तरह का, और ये है भी पतली। जी जी, और डिजाइन से ही अलग डिजाइन है, पतली केवल बनती है, केवल बहुत पतली बनती है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ की हर जगह से अलग ही बनता है यहाँ पे। तो एक ख़ास बात आपको बता दूँ, मुझे पता चला है यहाँ पे जो जलेबी तैयार करते हैं वो दशहरे, जो दशहरा आता है वहाँ पे। राजकुमार जी, सुना है कि भी कितने के किलो सेल हो जाती है? कम से कम 700 kg, 700 kg, मतलब 7 क्विंटल 8 क्विंटल, कम नॉर्मली 6-7 क्विंटल जरूर सेल होता है। गाइस मैं आपको बता दूं, 6-7 क्विंटल ये बोल रहे हैं, दशहरे वाले दिन जो है जलेबी इनकी सेल हो जाती है। और इनकी खास बात ये है कि देसी घी में बनती है। ये देसी घी है, इसमें फ्राई करते हैं, इसमें डालते हैं मीठा के लिए। हाँ, ये चाशनी केसर, इसमें केसर वाली है। अच्छा, ये केसर मिस किया हुआ। जी जी, केसरिया जलेबी है। अच्छा गाइस, इसको बोलते हैं केसरिया जलेबी बोलते हैं इसको। आपको सब कुछ बताएंगे, क्या प्राइस है और कहाँ पे आए हैं, सारा आपको जो एड्रेस है, प्राइस है, सब आपको मिल जाएगा, बॉक्स में भी मिल जाएगा, मैं ऊपर स्क्रीन पे भी, कैप्शन में भी मिल जाएगा। मज़ा आएगा जी, आज मज़ा आएगा, आज मीठा खाने आया, मज़ा आएगा। बहुत मिर्ची वाली चीज़ें बहुत खाई हैं, आज मीठा खाते हैं, बताते हैं कैसी है जी। अच्छा, ये है केसरिया, ओके ठीक है। ये देखिए गाइस, ये इसमें डिप कर देते हैं जब ब्राउन हो जाती है, लुक वाओ। ये देखिए, ये चाशनी से लबा लब जो है उसके बाद जाएगी प्लेट में, वाओ। तो ठीक है गाइस, अब रहा नहीं जा रहा, क्या बात है, क्या सुंदर लग रही है। तो अब इसका करते हैं हम टेस्ट, कितनी क्रंची लग रही है, वाओ वेरी गुड। ये प्लेट में राजकुमार जी डाल दो हमें, तो बढ़िया से, वाह। अच्छा, ये क्या डाला? ये सर पिस्ता होता है। अच्छा, ये पिस्ता डाल दिया, वाह क्या बात है जी, पिस्ता डाल दिया इसके ऊपर। ये देखिए गाइस, ये देखिए, हाउ ब्यूटीफुल, वाओ। तो जी ठीक है जी, इसका करते हैं हम टेस्ट, रहा नहीं जा रहा, अब देखते हैं। बहुत तारीफ सुनी है, इतनी जलेबी बेचते हैं, तो चेक करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं क्या खास बात है इसमें। मिलते हैं फिर टेबल पे। सो गाइस, आ गई है जलेबी, डिलीशियस जलेबी टेबल पे। तो ये देखिए आप, देखिए ये इनका स्टाइल ही डिफरेंट है ना, लुक, और पतली भी है, और क्या स्टाइल इसका, बिल्कुल डिफरेंट है। ये इस डिज़ाइन से तैयार करते हैं,
तो इसका क्रंचीनेस देखते हैं कैसा है, ये देखिए वाओ। और देसी घी में बनी है गाइस, देसी घी में, वेरी नाइस। चलो जी करते हैं टेस्ट, मुंह में आ गया पानी, देखते हैं। दोस्तों मीठे का इतना ज़्यादा मैं शौकीन नहीं हूँ, पर जब पर ये जो जलेबी खाई है ना, फैन बना दिया इसने। 700-800 किलो इनकी सेल होती है दशहरे वाले दिनों में, फेस्टिवल सीज़न है। तो वाह जी वाह, वाकई बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। सो गाइस मैं आपको सीक्रेट बता दूँ, आए कहाँ पे हैं ये? हम आए हैं फूड बाज़ार, जो कि शहर का बहुत ही एक फेमस प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारा फूड है, वन बाय वन आपको दिखाएंगे। तो इसका जो एड्रेस है वो मैं बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा आपको प्राइस के बारे में बता दूँ, ये जो प्लेट है इसमें 5 जलेबीज होती हैं, ऐसी 5 स्टिक मान लो ऐसी होती हैं, वो 60 रुपये की हैं, आधा किलो 300 की और 1 किलो 600 रुपये की। इसको केसरी जलेबी बोलते हैं, जब भी आइए केसरी जलेबी यहाँ पे ज़रूर टेस्ट कीजिए। सो इसको करते हैं फटाफट फिनिश, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना, बहुत मीठा मीठा हो रहा है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे एक नए फूड के साथ, एक नई जगह पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।